हेलो सो गाइस, दिस इज एक्चुअली वाला स्वागत करते हैं आज का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज किस वाले वीडियो हम लोग बात करेंगे, मेरे आईफोन 12 मिनी और एटलीस्ट यार कोई भी आईफोन का बैटरी हेल्थ इशू आ जाता है आफ्टर 6 मंथ्स या फिर कोई भी, मतलब आप लोग आईफोन यूज़ कर रहे हो तो उसका ना बहुत दिनों के बाद यूज़ करने के बाद अगर आप लोग राफ यूज़ करते हो तो बैटरी हेल्थ में ना कुछ इशूज़ आ जाते हैं। एंड 6 मंथ का कुछ मैं एक रिव्यू दूंगा मेरा आईफोन का, एटलीस्ट मैंने 6 मंथ अभी तक तो यूज़ कर ही लिया है तो उसका क्या रिव्यू है। एंड मैंने मेरे पास जो है आईफोन 12 मिनी, आप लोग अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हो, मेरे चैनल पे घुस सकते हैं एंड जाके मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियो टाइप सा मिल जाएगा। एंड एकदम नया पैकेट जब मैंने अनबॉक्स किया था उसका भी वीडियो मिल जाएगा तो जरूर से देख सकते हो। एंड गाइज़ अगर आप पहली बार मेरा आवाज़ सुन रहे हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो गाइज मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। एंड जो लोग यार सब्सक्राइब बिना सब्सक्राइब के वीडियो देखते हैं यार फटाक से सब्सक्राइब कर लो गाइज, 15K के बाद आप लोग को BGMI रॉयल पास के गिव अवे भी देखने को मिलेंगे तो फटाफट सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को ऑल पे डाल दो ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा आप लोग को मिलते रहे लेटेस्ट, ठीक है। तो अभी देखो आईफोन 12 मिनी मेरे पास है एंड गाइज इसका ना मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोलूँगा क्योंकि यार ये जो फ़ोन ना मुझे 38,000 का मिला है एंड 38,000 लाइक भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी हो जाता है, सॉरी 38 में बोलो 37,000 36,999 तो 37,000 पे मेरे को मिला था। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की बात करो पिछले साल जो 2021 में आया था उस समय मैंने परचेज़ किया था। एंड मैं अगर बताऊँ तो इस फ़ोन के तरह कोई भी आप लोगों को फ़ोन नहीं मिलेगा इस बजट कैटेगरी के अंदर, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। एंड गाइज अब अभी मतलब कोई भी प्रॉब्लम देखा जाए ना तो आईफोन 12 मिनी में एक ही प्रॉब्लम था जो है बैटरी थोड़ा सा कम है एंड इसका स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा कम है। अभी इसको ना मैं गोली मार सकता हूँ, अगर आप एक गेमर हो फिर भी आप लोग गोली मार सकते हो क्योंकि गाइज मैं भाई देखो मैं एक हेल्दी मतलब बॉडी बिलोंग करता हूँ तो इसलिए जो है ना मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटे मोटे एंड काफ़ी बड़े बड़े फिंगर्स रहे तो उस फिंगर्स पे मैं अगर गेम खेल सकता हूँ 3 फिंगर क्लॉ पे तो आप लोग क्यों नहीं खेल सकते अगर गेमिंग की बात करूँ मैं, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया। चलो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो ये फ़ोन है तो इस फ़ोन में आप लोग यार बैटरी इशू ना, बैटरी आप लोग एक दिन आराम से यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग हार्ड कोर गेमर्स नहीं हो, अगर गेम खेलते हो BGMI आप लोग स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग पे 60 FPS में मैक्सिमम आप लोग 3 घंटे आराम से गेम खेल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ओपी 100% बैटरी हेल्थ है। तो अभी जो मेरा इशू है ना, इशू एक ही था कि भाई मेरे ना मतलब पहले तो 3-4 महीने 100% बैटरी हेल्थ रहा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार 100% गिर ही नहीं रहा, मैं बहुत खुश था। बट यार जब जनवरी आया तो जनवरी से 1% गिरा तो 99 हो गया बैटरी हेल्थ एंड उसके बाद अभी मेरे पास जो है 96% बैटरी हेल्थ है। तो यार मुझे लगा कि 4% यार ठीक है फिर भी, क्योंकि यार देखो 4% गिरना ही था क्योंकि अगर देखा जाए ना हर एक आईफोन का एंड जितने भी मेरे आईफोन यूज़र्स फ्रेंड्स वगैरह हैं सारे लोगों के एक ही ना मतलब मांग है एंड एक वो लोग यही क्लेम करते हैं कि 1 महीने में 1% बैटरी हेल्थ गिर जाता है आईफोन में। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा बैटरी का अगर ध्यान रखते हो ख्याल रखते हो तो आप लोगों का जो है मतलब एक मतलब 2 महीने में 1% गिरेगा ऐसा है। तो यार जो 100% रहता है ना क्योंकि वो एक नया बैटरी हेल्थ बैटरी रहता है तो उस पर जो 100 से 99 पे बहुत ज़्यादा कम समय पे होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है कि 100% से 99 होने पे, बट उससे जब 99 हो जाता है उससे 98 आने में कुछ भी समय नहीं लगता। तो एक चीज़ है अगर आप बिलो एवरेज एक हिसाब लो तो उस पर क्या रहता है कि 1 महीने पर आप लोगों को 1% बैटरी हेल्थ गिरता है। तो अभी मेरे पास जो है 6 मंथ यूज़ करने के बाद 96 बैटरी हेल्थ है विच इज़ गुड वन ऑल्सो, क्योंकि यार अगर देखा जाए तो यार सिर्फ बैटरी हेल्थ ही गिरा है एंड अगर देखा जाए भी 70% बैटरी हेल्थ के नीचे आईफोन थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगता है। अभी 70% बैटरी हेल्थ अगर देखा जाए तो वो 3 साल लगने वाले हैं, 3 से 3.5 4 साल आराम से लग जाएंगे 70% बैटरी हेल्थ होने में। तो आप लोग को उतना ज़्यादा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये बैटरी ख़राब हो जाएगा आईफोन का बैटरी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस, आप लोग इजी यूज़ कर सकते हो, कोई भी ज़्यादा आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम वगैरह आ रहे थे। एंड अगर मैं अब फिर से बोलूँ कि कोई अगर परचेज़ करना चाहता है आईफोन 12 मिनी तो यार इजी परचेस कर सकते हो, गेम खेलने वाले भी इजी परचेस कर सकते हो, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ओपी सेट है। बट गाइस इधर मैं आप लोग को एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा कि अगर आप लोग गेम खेल रहे हो या फिर म्यूज़िक वगैरह कुछ भी एन्जॉय कर रहे हो एंटरटेन कर रहे हो फ़ोन के साथ तो चार्ज में लगा के बिल्कुल मत करना क्योंकि वही बैटरी हेल्थ का मेन इशू है बैटरी हेल्थ जाने का। अगर आप लोग चार्ज में यूज़ करते हो एंड चार्ज पे यूज़ करने के बाद मतलब चार्जिंग पे लगा के यूज़ करते हो फ़ोन को तो उस पर यार सारे फ़ोन में इफेक्ट पड़ता है, चाहे आप एक एंड्रॉयड लगा लो चाहे iOS लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर की मैं बात नहीं कर रहा लैपटॉप वगैरह, क्योंकि यार जो बैटरी रहता है ना वो एक टाइम पे चार्जिंग कंज्यूम एंड एक टाइम पे चार्जिंग जो है मतलब डिफ्यूज़ करता है ये चीज़ एक साथ नहीं हो सकता, उससे बैटरी हेल्थ के ऊपर ज़रूर से इफेक्ट पड़ता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सेंस लगा लोगे तो आप लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा मतलब यही आंसर आएगा कि ज़रूर से इफेक्ट करेगा बैटरी को। सो यही चीज़ है गाइज़, एक सिंपल सी बात थी
प्लीज चार्जिंग में लगा के यूज़ मत करना, कोई भी फ़ोन हो। आप लोग के एंड्रॉयड पे चाहे बैटरी हेल्थ नहीं दिखाता है, फिर भी एंड्रॉयड पे जो है बैटरी हेल्थ का भी एक चीज़ रहता है, चाहे वो नहीं दिखाता, क्योंकि यार एंड्रॉयड का तो आईफोन से भी पहले बैटरी निकल जाता है। तो वही चीज़ है, एंड्रॉयड का आप लोग भी देख सकते हो कि तीन चार साल के बाद बैटरी ऐसे फूल जाता है आलू जैसे, तो वही चीज़ रहता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, एंड यार प्लीज़ कर दो यार सब्सक्राइब 15K के बहुत ज़्यादा क्लोज है यार, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, सब्सक्राइब ठोको भाई, सारे जो भी बंदे इतना देर वीडियो देख रहे हो भाई, वीडियो क्लोज करके अभी निकलो मत यार, सब्सक्राइब करके फिर निकलना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी या गुड बाय। The struggle in this place, people look the other way, and we all deal with our pain, oh yeah.